हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल दो दिवसीय बिलासपुर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। राज्यपाल ने किरतपुर मनाली फोर लेन का निरीक्षण किया। राज्यपाल ने पूरे प्रशासनिक अमला के साथ बिलासपुर से लेकर गड़ा मोड़ा टनल नंबर 1 तक पूरा निरीक्षण किया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए राज्यपाल शिव प्रताप ने कहा कि NHAI ने तय समय पर ये काम पूरा किया है, बधाई के पात्र हैं वो। वहीं इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन इसके साथ साथ एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने जा रहा है। इससे न केवल बिलासपुर को एक पहचान मिलेगी बल्कि यहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि NHAI ने ये कार्य समय पर पूरा किया है। उन्होंने बताया कि इस फोर लेन में जितना बजट जारी हुआ था उसी बजट में ये कार्य पूरा किया गया है, ये काबिले तारीफ है। मैं समझता हूँ कि जितना मैंने देखा है तो मैं ये देख रहा हूँ कि भारत सरकार ने हिमाचल के सरकार को बहुत बड़ी उपलब्धि दी है। ये टनल वन फर्स्ट, मैं 1800 मीटर की जो टनल है, इतनी बड़ी टनल और कितनी खूबसूरती के साथ इन लोगों ने बनाया है। रेलवे और हाईवे ये दोनों मिलकर के जो काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि पहाड़ों के बीच से काट कर करके और हिमाचल को एक अच्छी उपलब्धि देने का जो काम हो रहा है, मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि तय समय में ही इस पूरे कार्य को अभी ये कर रहे हैं, जिससे लागत जो बढ़नी चाहिए वो बढ़ नहीं पाएगी बल्कि उसी में होगी। हाँ, मैं ये मानता जरूर हूँ कि समय के अनुसार जिस प्रकार से हुआ लागत थोड़ी बढ़ेगी, भी फिर भी इसकी चिंता भारत सरकार को करते ही नहीं है, क्योंकि इससे हिमाचल की उपलब्धि होगी, टूरिज्म बढ़ेगा। यहाँ DC से मैंने बात किया, उन्होंने कहा कि अगर इसके आसपास की स्थिति में एक औद्योगिक क्षेत्र डेवलप करेंगे, उस औद्योगिक क्षेत्र डेवलप करने के नाते मैं ये मान करके चलता हूँ वहाँ के स्थानीय लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा, और एक प्रोजेक्ट आएगा उस प्रोजेक्ट से बाई प्रोजेक्ट जने कितने आएंगे, तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। आने वाले समय में जल्दी ही माननीय प्रधानमंत्री जी आकर के इसको इनॉग्रेट भी करेंगे। इस तथ्य में भी आया हूँ मैं, इसके लिए NH को भी बधाई देता हूँ, माननीय मंत्री गडकरी जी को भी बधाई देता हूँ, यहाँ के प्रशासन को भी, क्योंकि बिना प्रशासन के इन लोगों को काम करने में असुविधा होती है। प्रशासन को भी, पुलिस प्रशासन को, सिविल प्रशासन को भी इसके लिए बधाई देता हूँ, और आप लोगों को भी बधाई देता हूँ कि आप लोग इस प्रोजेक्ट के आधार पर निश्चित रूप से हिमाचल की उपलब्धियों को दिखा सकें।